सारी मिर्ची हो गई है। अब इन मिर्चियों को नींबू का अचार बना देती हूँ। मतलब मिर्चियों को नींबू का अचार कैसे बना सकते हैं? ये चमत्कार केवल और केवल मैं कर सकती हूँ। देखिए बैगन नहीं खाएंगे बोलते हैं, फिर भी बैगन लटक लटक के परेशान हो रहे हैं। मिर्ची को नींबू का अचार कैसे बनाएं? ये अब आप कंटिन्यू देखिए। हाँ नहीं सही में वो मिर्चियों को नींबू का अचार नहीं, मिर्चियों को नींबू का अचार नहीं, नींबू के रस में मिर्चियों को डुबाएंगे तो वो मिर्ची का खट्टा वाला अचार बन जाएगा। अब वो बहुत टेस्टी लगता है। आप पोहा के साथ खाएं कि किसी भी चीज़ के साथ खाएं, रोटी चावल सब के साथ। वेलकम बैक टू आर ब्लॉग। और आज का वेलकम मैं कर रही हूँ, आपका यहाँ हमारे ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होने वाली है। मम्मा अभी थोड़ी बिजी है तो आज का वेलकम मैंने कर दिया। स्मृते सकल कल्याण भाजनम चंद्र जय श्री राम नारायण।
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और मैं अभी फुर्सत हुई हूँ, पूरा कथा हो चुका और बस प्रसाद खाने को है, तो हमारा प्रसाद भी मिल गया है, बस खाऊंगी अब। तब तक मैंने सोचा पूरी बना दूँ। आज राम ने बहुत स्मार्ट लगा है, इसको कहाँ से लिए थे? उदयपुर, लखनऊ से। चिकनकारी है ये, चिकन बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर मुझे बहुत पसंद आता है। बस अब हमारा पूड़ी और आज आलू मटर की सब्जी और सेवैयाँ बनाई हूँ, सुबह ही बना ली थी। पूड़ी अभी बनाई हूँ और बच्चे लोग खा लिए। और हम प्रसाद पे है बोल रहा है, प्रिंस डाइट पे है बोल रहा है। और हमारी पूजा बहुत अच्छे से हुई, अच्छा लगा इस घर में आने के बाद पहले बार पूजा करवाए। वैसे हम जब भी ट्रांसफ़र होता है, जिस भी घर में जाते हैं, हम लोग पहले पूजा करवा लेते हैं, तो पहले बार पूजा यहाँ अच्छे से हुआ है। बाकी हम लोग घर में तो डेली पूजा करते हैं, वो तो होता ही है, लेकिन जो अच्छा वाला पूजा जो पंडित जी आके करवाते हैं। एक बार इसके पहले एक पूजा कराए थे, कहाँ करवाए हैं? यहाँ नहीं करवाए हैं, नहीं करवाए। ये पहले बार गणेश जी का पूजा याद आ रहा है, गणपति स्थापना किए थे और उसी दिन से हमारा ब्लॉग शुरू हुआ था। आज जिया भी बहुत सुंदर दिख रही है, आज उसने मेकअप भी किया है, थोड़ा सा नहीं, फुल मेकअप की है। मैंने लगाया है फाउंडेशन वगैरह लगा के, तो अच्छा लग रहा है, हल्का की है तो बस लग रहा है। चलिए तो हम लोग फटाफट प्रसाद खाते हैं। अभी नहीं खाया हमने प्रसाद, थोड़ा सा खाया। हाँ चलो प्रसाद खाते हैं, फिर खाना खाते हैं।